आइडास थियरी को आज अपन सीखेंगे। आइडास थियरी, आइडास थियरी क्या है? मैं अपने BBM के फाइनल सेम के अंदर ये 15 मार्क्स के लिए लिख के आके पास हुआ था। आइडास थियरी जो बहुत 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 ज़बरदस्त थियरी है, ये एक हर इंसान को मालूम रहना कंपलसरी, हर इंसान सीखना कंपलसरी। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या? सेल्समैन प्रमोट प्रोडक्ट्स, सेल्समैन क्या करता? प्रोडक्ट को बेचता, बट नेटवर्कर्स बिल्ड दी वर्ल्ड। नेटवर्कर क्या करता? पूरी दुनिया को बनाता, राइट? पेशेंटों को पकड़ पकड़ के सर शुगर को क्या देना, सर सिर पे बाला झड़ रहे तो क्या देना सर? पेशेंटों को अगर आप पकड़ रहे तो यू आर ए सेल्समैन। आप एक सेल्समैन है, आप एक नेटवर्कर नहीं है। एक नेटवर्कर क्या करता मालूम? प्रोडक्ट सेल नहीं करता, नेटवर्कर एक नेटवर्क को बनाता, नेटवर्कर एक टीम बनाता, नेटवर्कर अपना ग्रुप नहीं बनाता, एक टीम बनाता, एक प्रोफेशनल टीम बनाता नेटवर्कर। आपको टीम बनाना है। कई लोगों के टीम के अंदर एक एक बंदा भी ज्वाइन नहीं है, मगर 10-15-20-25-30 हज़ार का सेल आ जाता। क्या करते होंगे वो लोग? सिर्फ कस्टमर को पकड़ रहे, पेशेंट को पकड़ रहे, डॉक्टर दिए जैसा देते जा रहे। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते गए तो आप सेल्समैन बन के रह जाते, अगर आप नेटवर्क बनाते गए तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हिट हो जाते। याद रखो, वेस्टिज के अंदर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, ओनली 2 प्रोडक्ट्स, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500 नहीं है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स है, ओनली 2 प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट प्लान। एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट प्लान। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे, ये देखो, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे तो आप सेल्समैन बनते हैं, अगर आप प्लान बेच रहे तो ज्वाइन करने वाला प्रोडक्ट लेके ज्वाइन होता। यानी आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे तो उन्हें ज्वाइन कर भी सकता, नहीं भी सकता, मगर अगर आप प्रोडक्ट नहीं प्लान बेच रहे तो इन्हें प्रोडक्ट लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए आइडास थियरी, ये का मतलब अटेंशन। अटेंशन किसको बोल रहे हैं? अटेंशन किसको बोलते हैं? तो आगे वाला बंदा आपकी बात अगर सुनना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा ड्रेस कोड होना। अच्छा ड्रेस कोड बोले भाई, अगर आपका लुक अच्छा नहीं है, आपके पास कपड़े अच्छे नहीं है, आप टी शर्ट और बरमुडा के अंदर किसी आगे के वाले के पास बैठे और सुनने वाला अच्छा यूनिफॉर्म में आया, तो आप उसको बोल रहे हैं आप 2 साल हमारे साथ रुक जाओ, आपको महीने का 1 लाख रुपए आता। बल्कि अगर आप बोले तो आगे वाला बोलता है तुम्हारी शक्ल से तो 1 लाख रुपए नहीं, 1 रुपए भी नहीं दिख रहा, आप मेरे को क्या दिखाते, 1 लाख रुपए दिलाते, बोल के चले जाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेस कोड आपको मेंटेन करना, पहली चीज अटेंशन के अंदर। दूसरा, आप प्लान बोलते वक्त आपका मोबाइल फोन सबसे पहले स्विच ऑफ रहना या फिर साइलेंट रहना। आप प्लान बोलते बोलते कौन की मैसेज करा, कौन की कॉल करा, 1 मिनट सर, बल्कि आप उठा के बात कर लीजिए, भाई आगे वाला कहीं को रुकेगा, उन्हें आपको होना या आप उसको होना, उन आपको होना, तो आप सबसे पहले अपना डिस्टर्बेंस उसको मत कराओ ना। आप पहले मोबाइल हाथ में पकड़ के बोलो सर 20 मिनट के लिए मैं भी फोन स्विच ऑफ करूँ, आप भी स्विच ऑफ करेंगे तो बहुत बेहतर रहता, बल्कि राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ड्रेस कोड अच्छा रहना, आपके हेयर जो है छोटे छोटे रहना, और कंपलसरी एक बैग मेंटेन करो। बैग के अंदर पेपर, पेन, किताब, कैटलॉग, फ्लिपचार्ट, ऑर्डर फॉर्म्स, ज्वाइनिंग फॉर्म्स, ये सब कुछ चीजें रहना। अभी किसी इलेक्ट्रिशियन को देखे, भाई यहाँ पे स्विच के अंदर करंट नहीं आ रहा, देखो बोले तो इलेक्ट्रिशियन ये उंगली घुसा के चक्कर से देखे नहीं, उन्हें क्या करता अपने जॉब के अंदर एक चीज रखता, उसका नाम टेस्टर। टेस्टर लेके चेक करता हूँ, हाँ भाई नहीं आ रहा बोलता। कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को देखे, अरे मैं इलेक्ट्रिशियन भाई एक्सपर्ट हूँ, बोल के ऐसा उंगली घुसा के देखा सो मर को जाता हूँ। तो इसलिए क्या है, जब एक इलेक्ट्रिशियन रोज के 200-300 कमाने वाले के पास टूल की जरूरत है, तो आपको कई को नहीं है, आप लाखों के पैसे कमाने वाले हैं। आगे वाले को आप अपनी बात सुनाने से पहले उसको पूछना, बी ए गुड लिसनर। मैं बोला ना बी ए गुड लिसनर, आगे वाले को पूछो, उसकी फैमिली के बारे में पूछो, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, राइट, उसके बच्चों के बारे में पूछो। उसके बाद क्या है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा सर, आप क्या बिजनेस करते, इसमें आपको फायदा क्या होता। आगे वाले पे आप इंटरेस्ट दो उसकी बातों पे। तो उसके बाद आता डिमांड, डी से आता डिमांड। डिमांड का फॉर्म, डिमांड का डेफिनेशन क्या मालूम? विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू बाई। विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू बाई इज कॉल्ड डिमांड। विलिंगनेस टू पे, आपको देने की इच्छा रहना, आगे वाले को लेने की इच्छा रहना। मैं आपको बोलता हूँ, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। जिस प्रोडक्ट का डिमांड रहता उस प्रोडक्ट का सप्लाई कम रहता, वो प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर सप्लाई कम रहता। समझ में आ रहा है? जिस प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा रहती उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत कम रहता।
लक्स साबुन कहीं पे भी मिल जाता आपको, सुबह सुबह जाओ 7 बजे 8 बजे मार्केट में आपको आराम से मिल जाता लक्स साबुन, क्योंकि उसकी डिमांड कम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कंपनी का डिमांड आप बढ़ाओ, लोग ज्वाइन होते। अगर आप सप्लाई ज़्यादा करें, यानी इतने लोग हैं आप भी आगे तो बहुत अच्छा रहता, ऐसा रहता वैसा रहता बोल के, आप अगर डिमांड कम करें तो आगे आने वाला, आगे वाला जो बैठा रहता उसको क्या है मालूम, सप्लाई ज़्यादा नहीं होता, राइट। उसके बाद अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब क्या, आप ऐसी ऐसी बातें करो जिससे बंदे अट्रैक्ट हो जाए, ऐसी ऐसी बातें करो, ऐसा ऐसा उनको मोटिवेशनल पॉइंट्स बोलो जिससे आगे वाला अट्रैक्ट हो जाए। आप कभी भी आगे वाले को हर्ट हुए जैसे बातें रखो करो, आगे वाले को नहीं होने की बातें रखो करो। एंड उसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन, भाई जब आप अटेंशन से लोगों को समझा रहे, आप उनकी बातों पे इंटरेस्ट दे रहे, आप डिमांड क्रिएट कर रहे अगर उनको, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 100% आपसे वो बंदा सेटिस्फाई होगा ना, और आपकी सर्विस से आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा ना। तो जब आपसे और आपके प्रोडक्ट से आपके सर्विस से, ये तीन चीज़ें याद रख लो, आपसे आपके प्रोडक्ट से आपकी सर्विस से, ये तीनों चीज़ों से अगर आगे वाला बंदा सेटिस्फाई हो गया तो उन्हें ज़िंदगी में आपको छोड़ के नहीं जाता।